एक्चुअली उसको पहले ना लाइक अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए भी डिफिकल्टीज होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो बेसिक अपनी है द बेसिक थिंग्स जो है वो भी उसको करने में डिफिकल्ट होती थी. एंड शी इज लाइक जितनी वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है उसको किसी के पे डिपेंड होना उसकी एक ही थी कि मुझे डिपेंडेंट नहीं होना. मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ था तो शी ऑलवेज हैड दिस एप्रिहेंशन कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती. तो कहीं ना कहीं शी वॉज लूजिंग द होप टू लिव इन फैक्ट कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मेरे को नहीं चाहिए. सो विच आई डोंट वॉन्ट इट. और वो इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब रहती थी. तो ये जो LOC और जो शशांक शाह डॉक्टर शशांक शाह के बारे में जो मेरे को पता चला, एक्चुअली पहले तो मैंने सर से सिर्फ फोन पे बात किया था, बट द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी एंड द अफर्मेशन दैट आई रिसीव फ्रॉम हिम, आई गॉट दी होप कि नहीं देर इज अ होप कि हर लाइफ कैन चेंज. एंड दिस थिंग्स आई गॉट हर. इनफैक्ट आई टुक मैंने सर से बात करी, एक दो दिन में ही मैंने डिसीजन लिया बिकॉज आई हैड द वेकेशन, आई हैव टू इमीडिएटली प्लान द थिंग्स. मैं उसको यहाँ पर लेकर आई और आने के बाद में यहाँ पे एक्चुअली LOC का और एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे ना they are treated with love and respect and with affection. Generally ना ऐसे लोगों को कैसे होता है कि यार लोग मेरे पास देख रहे हैं, लोग कोई हंसेगा मेरे पास, ये लोग देख रहे, लोग देख के बोलते होंगे कि यार देख कैसी मोटी है वगैरह. तो ये जो इनकी थिंकिंग होती है ना इस वजह से ये लोग सोशली बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये इसलिए ना किसी हॉस्पिटल में भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती थी. शी वॉज ऑलवेज कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, ये घर से बाहर ही निकलने को तैयार नहीं होती थी. बट यहाँ पे आने के लिए मैंने उसको समझाया, मोटिवेट किया, और जो कुछ केसेस जो ऑनलाइन मैंने दिखाए उसको गूगल पे, तो शी वॉज लाइक कि नहीं हो सकता है. एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक उसको मैंने लिटरली बोला कि देखो आना ही है. आई वॉज लाइक मेरे को आना ही है. एंड व्हेन शी केम हियर यहाँ के जो स्टाफ का जो अप्रोच था, जो उसको प्यार से उन्होंने सबने लिया ना, इस वजह से शी फेल्ट रियली कम्फर्टेबल कि नहीं मेरे को यहाँ रहना है. बिकॉज हम लोग का प्लान था कि एक दिन में ही सर्जरी हो जाएगी, बट बिकॉज ऑफ अर BP इश्यूज एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू लाइक वेट फॉर लाइक 7 days फॉर प्रिपरेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. इन दिस पीरियड ऑल्सो द काइंड ऑफ वॉर्म्थ शी रिसीव फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड ऑल दिस थिंग्स दैट हैज रियली मेड हर कम्फर्टेबल टू गो फॉर दिस सर्जरी इन स्पाइट ऑफ द BP शूट अप थिंग्स एंड ऑल द इश्यूज, द पर्सनल इशूज, द इमोशनल डिस्टर्बेंसेज दैट शी वॉज गोइंग थ्रू. उसके बावजूद आई विल से हॉस्पिटल स्टाफ वर काइंड ऑफ अ फैमिली टू वन. एक दिन मैं एक्चुअली उसको छोड़ के करार गई थी मेरी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, वो एक दिन शी वॉज ऑल अलोन विद द स्टाफ एंड शी डिड नॉट फील एनी थिंग. आई नो देर वॉज सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेज, बट आई थिंक कि आप बोलते उन्हीं से हो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो. सो आई विल नॉट टेक इट अगेंस्ट इट कि लाइक शी इज हैप्पी हियर सो आई वॉज हैप्पी एंड दैट्स व्हाट आई एम हैविंग होप फॉर हर. Hope for a better future, and that is what I wanted here. And this LOC has given me this. So I'm thankful. Thank you.